खुशी खुशी कहाँ ढूंढूं उसे डैमिट। अर्नब जी, टाइम क्या हुआ है अर्नब जी? What? अगर 5 मिनट खत्म हो गए तो हम आपको ये बता दें कि हम यहाँ आपके पीछे गिरे हैं। कुछ तुम्हें चोट तो नहीं लगी? इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, पहले नहीं बोल सकती थी? पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। जवाब दे दे तो आप हमारी आधी पगार काट लेते ना। इस तरह चुप रहने को नहीं कहा था कि गिर जाओ और तब भी मुंह मत खोलो। You're impossible, खुशी कुमारी गुप्ता। ठीक है, तो अगली बार आप हमें बता दीजिए कि हमें कब बोलना चाहिए और कब नहीं, लिख के दे दीजिएगा। Exactly, क्योंकि तुम्हें तो कॉमन सेंस है नहीं। जब चुप रहना होता है तब बकवास करती रहती हो और जब बोलना चाहिए तब मुंह नहीं खोलती। ये कैसी बात हुई? ठीक है, अब आप ही बता दीजिए कि इस वक्त हम कुछ बोल सकते हैं या नहीं, क्योंकि आप ज्यादा समझदार है ना। लेकिन उससे पहले ये बता दीजिए कि हम यहाँ से बाहर निकले या नहीं। निकलो बाहर। अच्छा, अगर खुद निकल सकते तो यहाँ बैठे रहते क्या? ये भी तो कॉमन सेंस हुई ना। गंदा हो गया। ये क्या कर रही हो तुम? ऐसे नाच क्यों रही हो? हम क्या करें, शायद कुछ कीड़ा या कुछ। हम अभी आते।
कह रही है ये लड़की? देवी मैया, हमारे कपड़े कहाँ गए? Thank God, finally. अब क्या हुआ इसे? अरे वहां का खुशी, तुम्हारी आधी नहीं पूरी सैलरी काट दूंगा। खुशी, खुशी चोरी हो गए। ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही हो सकता है। हाँ, पता नहीं क्यों उस मोटरसाइकिल वाली लड़की ने हमारे कपड़े चुराए। और ये? उसने हमारे कपड़े लिए तो हमें उसके पहनने पड़े। वैसे भी ये वाले ज्यादा अच्छे हैं, कम से कम मैले तो नहीं है। दिल्ली के चोर कितने अजीब है। अब चले ढाबा। What ढाबा? अंदर स्टिकर चिपका था, मंजीत का ढाबा, ट्यूबवेल के पास बिल्कुल सीधा। वहाँ एक पंजाबी थाली पे एक फोन कॉल बिल्कुल फ्री। अच्छा, अब 10 मिनट के लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, पक्का।